इंटरव्यू तो मेरा पहला ही दिन था और मैं 67th प्री में भी अपीयर हुआ हूँ, जिसके कारण से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ मैंने मॉक्स दिया था और उससे थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ और मैं इंटरव्यू दिया। एवरेज ही गया था लगभग 18 से 20 मिनट। मैं करेंट अफेयर्स और आयर पोर्शन के लिए VGNIS और एक बिहार परिदृश्य में कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, किया जाए तो बेहतर है। सेकेंड पेपर के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और जियो इको के लिए मैंने खुद का एक नोट्स बनाया था, उससे मैं रिविजन करता रही है, जिसे मैं संक्षिप्त में साझा करना चाहूँगा। प्री के लिए मैंने मुख्य रूप से लूसेंट को फॉलो किया, साथ में बिहार के लिए मैं क्राउन पब्लिकेशन का बिहार फॉलो किया और घटनाचक्र का मॉडर्न हिस्ट्री को। वेलकम टू नैन अल्टीमेट, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। मेरा 66 BPSC में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इस परीक्षा में मेरा रैंक 231 रहा है। यह मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है और मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों, दोस्तों एवं सभी बड़े बुजुर्गों को देना चाहता हूँ। मैं अभी वर्तमान में DGAC कोलकाता में ऑडिटर पद पर कार्यरत हूँ। परीक्षा के लिए मेरी तैयारी की रणनीति कुछ इस प्रकार रही है, जिसे मैं संक्षिप्त में साझा करना चाहूँगा। प्री के लिए मैंने मुख्य रूप से लूसेंट को फॉलो किया, साथ में बिहार के लिए मैं क्राउन पब्लिकेशन का बिहार फॉलो किया और घटनाचक्र का मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। साथ में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कोई भी एक मैगजीन जो करेंट अफेयर से संबंधित होता है उसे ले सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेंस के लिए मैंने मुख्य रूप से, यदि पेपर वन का बात किया जाए तो आर्ट एंड कल्चर मुख्य रूप से वो प्रीवियस ईयर से कवर हो गया। साथ में मैं करेंट अफेयर्स और आयर पोर्शन के लिए VGNIS और एक बिहार परिदृश्य में कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, किया जाए तो बेहतर रहता है। और सेकेंड पेपर के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और जियो इको के लिए मैंने खुद का एक नोट्स बनाया था, उससे मैं रिविजन करता था। साथ में साइंस टेक का भी मैं खुद से सही नोट्स बनाया था और उसे मैं करेंट की घटनाओं से कुछ कुछ अपडेट करता था। इंटरव्यू तो मेरा पहला ही दिन था और मैं 67th प्री में भी अपीयर हुआ हूँ, जिसके कारण से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ मैंने मॉक्स दिया था और उससे थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ और मैं इंटरव्यू दिया। एवरेज ही गया था, लगभग 18 से 20 मिनट इंटरव्यू चला था अरुण भगत सर के बोर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के साथ फिर से बात होगी। मेरा यही मानना है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत बहुत ही ज़रूरी है और मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलते हैं, धन्यवाद।